जी हाँ, महाशिवरात्रि का महापर्व। बता दें, महाशिवरात्रि की धूम हर जगह देखी जा रही है। श्रद्धा भक्ति के साथ शिवरात्रि मनाई जा रही है। बाबा की बारात आएगी और जय भोलेनाथ के नारों के साथ मंदिर गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। शिवालयों में गूंज रहे हैं बम बम बोले बोले के जयकारे। भगवान शिव का जलाभिषेक भी श्रद्धालु करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, तस्वीर लगातार टीवी स्क्रीन पर है। ये मंदिर की तस्वीरें हैं जहाँ श्रद्धालु की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। देखिए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे हुए हैं। रुद्राभिषेक यहाँ पर जलाभिषेक किया जा रहा है। जो पुजारी हैं वो भी इस समय महाकाल बाबा का यानी शिवलिंग का जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, श्रद्धा भक्ति के साथ शिवरात्रि को मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। मंदिर की साज सज्जा की गई है। तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जहां हर जगह के मंदिर भक्ति में नजर आ रहे हैं। आज देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखी जा रही है। तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में सभी श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए हैं। साथ ही बोले बम बम जयकारों के साथ मंदिर इस समय गूंजा हुआ है। देखिए, भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और मंदिर की साज सज्जा यहां पर अनोखे तरीके से की गई है। शिवालयों में बोले बम के जयकारे इस समय गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। पुजारी लगातार जलाभिषेक कर रहे हैं और साथ ही श्रद्धालु भी बड़ी बड़ी कतारों में मंदिरों के बाहर खड़े हुए हैं। देखिए तस्वीरें, किस तरह से यहाँ पर तैयारियां कर ली गई हैं। श्रद्धा भक्ति के साथ आज शिवरात्रि का ये महापर्व मनाया जा रहा है। जी, आज महाशिवरात्रि है। शिव भक्तों के लिए ये दिन बेहद खास होता है, इसलिए इस खास दिन पर हर कोई अपने अपने तरीके से भगवान शिव को खुश करने की कोशिश करता है। इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं। इतना ही नहीं, लोग अपने घरों में रुद्राभिषेक भी कराते हैं। कुल मिलाकर महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिव शंकर की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सारी इच्छाएं एक तरह से पूरी हो जाती हैं। तो वहीं अगर बात हम एमपी की करें तो महाशिवरात्रि का पर्व मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में शिव दीपावली के रूप में मनाया जाएगा। मेरे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आज महाशिवरात्रि है, महापर्व है, इस समय मंदिर की कैसी तस्वीरें हैं? कितना उत्साह श्रद्धालुओं में दिखाई दे रहा है? अमित, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आपको? आवाज नहीं पहुंच पा रही है। देखिए तस्वीरें, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं मंदिर की, जहां पर विशेष तरीके से मंदिर की साज सज्जा की गई है। श्रद्धा भक्ति में देश भर के मंदिर इस समय नजर आ रहे हैं। जलाभिषेक शिवलिंग का किया जा रहा है। देखिए तस्वीर लगातार टीवी स्क्रीन पर है। पुजारी जो है जलाभिषेक कर रहे हैं। आज देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखी जा रही है। श्रद्धालु बेहद उत्साहित हैं और अपनी मनोकामनाएं लेकर महाकाल बाबा के सामने उनके दरबार पर लगातार लंबी लंबी कतारों में देखे जा सकते हैं। देखिए किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो हाथ जोड़कर दर्शन करने के लिए बाबा महाकाल के बैठे हुए हैं कि किसी तरह से जल्द उनके दर्शन हो जाएं। देखिए, मंदिर को भी बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। शिवालयों में जयकारों से इस समय पूरे मंदिर गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए तस्वीरें, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं लगातार टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्य जुड़ गए हैं। सत्य, आज महाशिवरात्रि का महापर्व है, किस तरह से तस्वीर है मंदिरों की, कितना उत्साह श्रद्धालुओं में? देखिए, महाशिवरात्रि का पर्व है और ऐसे में जो है लोग जो है श्रद्धा भक्ति के साथ जो है मंदिर पहुंच रहे हैं। ये मंदिर का आप तस्वीर देखिए कि श्रद्धालुओं से जो है यहाँ पे जो है श्रद्धालुओं की जो है भीड़ उमड़ी हुई है और लोग जो है एक एक करके पूजा के लिए जो है लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। चूंकि आज जो है महाशिवरात्रि है और माता शिव पार्वती का जो है विवाह हुआ था, ऐसे में पूजा अर्चना के दौर जारी है। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जो है महादेव घाट के हटकेश्वर मंदिर का है और यहाँ पे जो है पूजा अर्चना का दौर जारी है। हम अंदर चल के जो है वहाँ से पंडित से भी समझेंगे और यहाँ पे जो है दर्शक हैं जो श्रद्धालु हैं उनसे भी हम बात करेंगे। लगातार आप लोग सेवा में लगे हुए हैं, कैसा माहौल है यहाँ पे?
इधर खड़े मत रहिए आप, इधर इधर। तो यहाँ पे देखिए, आप तस्वीर देख रहे हैं मंदिर से, और पहले हम यहाँ पे आपको महादेव का दर्शन कराते हैं, उसके बाद जो है यहाँ लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये तस्वीर जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोग श्रद्धा भक्ति के साथ पहुँचे हुए हैं। आज के दिन जो है एक विशेष महत्व है, यहाँ पे डुबकी लगाने का भी होता है, और लोग में लगातार दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी सत्य को। देखिए, सत्य ने अभी तस्वीर दिखाई मंदिर की, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे। व्यवस्थाओं को भी पूरी तरह से वहां पर मेंटेन किया जा रहा था, लेकिन लगातार तस्वीर हम आपको मंदिरों की दिखा रहे हैं, जहां पर जलाभिषेक किया जा रहा है। शिवालयों में जयकारे से मंदिर लगातार गूंजते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, साथ ही बाबा महाकाल के दर्शन यहाँ पर किए जा रहे हैं। देखिए किस तरह से सभी श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं और मनोकामना लेकर मंदिर में समय पहुंच रहे हैं। सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिरों के बाहर देखी जा रही हैं, लेकिन आज देश भर में शिवरात्रि की धूम लगातार देखी जा सकती है। देखिए तस्वीरें, श्रद्धालु हो या फिर पुजारी, सभी जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। युवा हो या बुजुर्ग, मंदिरों में लंबी लंबी कतारें सबकी देखी जा सकती हैं। देखिए तस्वीरें किस तरह से यहाँ पर सभी श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। देश भर के मंदिर भक्ति में इस समय हो रहे हैं, साज सज्जा विशेष तरह की मंदिरों में कर ली गई है। बता दें, आज देश भर में शिवरात्रि की धूम देखी जा रही है, और खास तरीके से विशेष तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। बता दें, इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं और मनोकामनाएं अपनी लेकर मंदिर तक पहुंचते हैं। मंदिर के दरबार इस समय पूरी तरह से सजे हुए हैं, और साथ ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें यहां पर देखी जा रही हैं। आज महाशिवरात्रि का अलग अलग महापर्व है, यहां पर होना शुरू हो जाता है। अगर बात की जाए मंदिर प्रांगण की, तो देखिए यहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में है वो लेकर आते हैं। देखिए ये देखिए दो तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर, आज शिवरात्रि का महापर्व है, इसलिए विशेष तरह से साज सज्जा की गई है, साथ ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें मंदिरों में देखी जा रही हैं, जलाभिषेक किया जा रहा है। तो वहीं पुजारी जो हैं विशेष तरह से आज पूजा अर्चना करेंगे। मेरे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, आज महाशिवरात्रि का महापर्व, इस समय कैसी तस्वीर है मंदिरों से? हो चुकी है, उज्जैन में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। आज ये पद्मावती में बाबा को विशेष प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया गया, भांग चंदन और उनसे उनका अभिषेक किया गया, साथ ही पद्मावती से जो पूजा का यह क्रम है वो चालू हो गया। हम आपको दिखाएंगे कि मंदिर में जो शिखर है, शिखर से लेकर पूरा मंदिर परिसर में जो विशेष रूप से साज सज्जा की गई है, उसके साथ ही मंदिर परिसर में हम आपको दिखाएंगे एक रंगोली है जो इंदौर के आर्टिस्ट है, उन कलाकारों द्वारा विशेष रूप से यह बनाई गई है, और दर्शन का जो सिलसिला है वो अनवरत जारी है। श्रद्धालु जो है वो कतारबद्ध होकर यहाँ दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मंदिर पर मंदिर प्रशासन की ओर से यहाँ जो है सुरक्षा जो इंतजाम किए गए हैं, दर्शन के अलग अलग प्रकार के जो कतारें लगाई गई है, जिससे किसी प्रकार का यातायात बाधित ना हो, किसी प्रकार की जाम की स्थिति ना बने, किसी प्रकार का साउंड दिक्कत ना हो मंदिर में, और सभी लोग अच्छे से बाबा महाकाल के दर्शन कर सके। साथ ही यहाँ आज जो अनुमान लगाया जा रहा है जिला प्रशासन की ओर से, वो लगभग 8 से 10 लाख लोगों का आने का अनुमान है, 8 से 10 लाख लोग यहाँ आकर बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। प्रदीप, जरा श्रद्धालुओं से बात करके बताइए, वो कितने उत्साहित है महाशिवरात्रि को लेकर? मैं आपको, मैं श्रद्धालुओं के पास जाता हूँ और मैं आपकी चर्चा करवाता हूँ कि वो जो यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं वो कितने उत्साहित हैं बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। आप कहाँ से आए हैं? आप काशी से आया हूँ, मैं काशी से आया हूँ, और महाकाल मुझे यहाँ बनाए थे, यहाँ के दर्शन के लिए
मैं बहुत ना मतलब बहुत खुशी हूँ कि महाकाल ने मुझे यहाँ बुलाया है। मैं बहुत ज़्यादा मैं चाहूँगा कि हर साल मेरी फैमिली भी यहाँ है, मैं पहली बार यहाँ ये जो श्रद्धालु है दर्शन के लिए। प्रदीप जरा आसपास की तस्वीर दिखाइए, किस तरह से मंदिर को सजाया गया है, किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है, आज बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचेंगे। देखिए यहाँ जो सुबह बसमान के समय से ये क्रम चालू हो गया है और लगभग 44 घंटे तक जारी होते हैं। कल के दिन यहाँ पर सहरा श्रृंगार होगा, दोपहर 12 बजे यहाँ बसमानती बस में। जी प्रदीप हमारे साथ बने रहिए, इसी बीच मेरे सहयोगी सत्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य तस्वीर दिखाई जरा मंदिरों की। जी देखिए हम इस वक्त मौजूद है हटकेश्वर नाथ मंदिर में, महादेव घाट स्थित है और यहाँ पे जो है हजारों लोग सुबह से जो है पहुँच रहे हैं और शिव जी के दर्शन और अभिषेक करने के लिए आ रहे हैं, चूँकि महाशिवरात्रि का अवसर है और ऐसे में जो है हर कोई अपने जो है सौभाग्य समझता है कि वो मंदिर पहुँचे और यही कोशिश है कि सब जल अभिषेक कर ले। यहाँ की व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे चाक चौबंद जो है व्यवस्था की गई है, पुलिस के सुरक्षा यहाँ पे तैनात है, लोगों को एक कतार में अंदर भेजा जा रहा है चूँकि यहाँ पे व्यवस्था बनी रहे और सभी को जो है पूजा अर्चना करने आराधना करने की जो है एक मौका मिले। तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि यहाँ पे भीड़ जो है उमड़ी हुई है और यहाँ पे जो है पुलिस के जवान भी जो है कदम कदम पे जो है तैनात किए गए हैं ताकि जो है व्यवस्थाएं यहाँ पे अच्छी रहे, चूँकि महाशिवरात्रि का पर्व है और ऐसे में जो है हर कोई जो है अभिषेक करने के लिए जो है लंबी कतार में लगे हुए हैं और हिंदुओं का पर्व है। और अगर हम बात करें इसको लेकर तो आप तस्वीर देखकर समझ सकते हैं किस तरह के माहौल है। कहाँ से आए हैं? रायपुर से। कितने बजे से लाइन? 4 बजे से। 4 बजे से आप जाके कामयाबी मिल रही है, दर्शन होंगे भोलेनाथ जी। बोल बोल, धन्यवाद। महा हर महादेव, लोगों के जो है जुबान पे हर हर महादेव मंत्र जाप के जो है। कहाँ से आ रहे हैं आप? रायपुर से ही है। अभिषेक करने वाले जी? पंडित जी करा रहे हैं, खुद कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम खुद करेंगे। खुद कर रहे हैं, क्या बोलेंगे आज के दिन के लिए? कुछ नहीं, बस महादेव सबकी मनोकामना पूरी करे। तो देखिए लोग जो है अपने लिए तो पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन सबके लिए भी यहाँ पे जो है लोग जो है मांग कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? रायपुर से। रायपुर से ही है। कितने बजे से लाइन पे लगे? 5:30। 5:30 बजे से? हाँ। तो अभी जो है दर्शन करेंगे। हाँ। क्या कहेंगे लोगों के लिए आज के दिन शिवरात्रि को लेकर? सबकी मनोकामना पूरी हो और सब अच्छे रहे बस। तो यहाँ पे आप जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पे हर वर्ग के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, हर वर्ग के यहाँ पे एक बच्चा हमारे साथ है, क्या कहाँ जा रहे हैं? अंदर। अंदर क्या करेंगे? अंदर पूजा करेंगे। अच्छा, पूजा करने आए हैं, किनके साथ आए हैं? मम्मी पापा लोग के साथ। हाँ, कितने बजे से लाइन में? 5:30। 5:30 बजे से जी। हाँ। क्या सोचे हैं महाशिवरात्रि के बारे में? पूजा करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे और क्या। अच्छा, तो यहाँ पे बच्चे हैं, मम्मी पापा के साथ भी पहुँचे हुए हैं और जैसे कि आप सब देख रहे हैं तस्वीर, पूजा करने ही लोग पहुँचे हुए हैं और स्थिति देख कर यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं जितने जल्दी हो सके, क्योंकि 3 बजे 4 बजे से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। मेरी किस तरह से आपा जयकारों से मंदिर गूंजा हुआ है। बाबा एक सहारा है। तो यहाँ आप तस्वीर देख रहे हैं कि यहाँ पे सब जो है भोले बाबा की जयकारे से जो है गूंज रही है और यहाँ पे स्थिति जो है जितना जल्दी हो सके लोग यहाँ पे जो दर्शन करना चाह रहे हैं। तो सीधी तस्वीर देख रहे हैं आप हटकेश्वर महादेव मंदिर से। कितने बजे से लगे हैं लाइन पे आप? जी बस भोलेनाथ की कृपा है, बस लगे और समय का पता नहीं चला। क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर? बस हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पे लोगों की भीड़ जो है यहाँ पे उमड़ी हुई है और आज हिंदुओं का विशेष पर्व है और ऐसे में जो है आप ये कतार देख रहे हैं। सत्य हम लगातार देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का आना लगा हुआ है, सुबह से तड़के 4 बजे से श्रद्धालु लाइन में लगे हैं कि जैसे तैसे महादेव के दर्शन हो जाएं, लेकिन व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्था किस तरह से वहां पर की गई है, देखिए दूर दूर तक देख सकते हैं हम किस तरह से श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं इस समय। चलिए
हालांकि सत्या से लगातार बात होती रहेगी। देखिए तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, हमारे संवाददाता सत्य राजपूत दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर मंदिर में लंबी कतारें श्रद्धालु की देखी जा रही है। तड़के सुबह 4 बजे से यहाँ पर श्रद्धालु लाइन में लगे हैं और सोच रहे हैं किसी तरह से महादेव के दर्शन हो जाएं। और आपने देखा भी किस तरह से यहाँ पर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर गूंजा हुआ है। सभी अपनी आस्था और मनोकामना लेकर मंदिर में पहुंचे हुए हैं। देखिए तस्वीरें जहां तक नजर जा रही है वहां तक श्रद्धालु की लंबी कतार इस समय नजर आ रही है। चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, हर किसी की आस्था है कि जल्द से जल्द हम महादेव के दर्शन कर ले। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार आपको महाशिवरात्रि के महापर्व की कवरेज देखने को मिलेगी। हर मंदिर से पल पल की तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे। देखिए तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर है। व्यवस्थाओं की भी यहाँ पर मैनेजमेंट की गई है कि किसी तरह की यहाँ पर कोई परेशानी श्रद्धालु को ना हो, जिसके चलते व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त की गई है। साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए तस्वीरें सत्य, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सत्य को मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लगातार कोशिश की जाएगी। देखिए तस्वीरें, हर कोई बेहद उत्साहित नजर आ रहा है कि जल्द से जल्द महादेव का जलाभिषेक किया जाए और उनके दर्शन हो, उनसे मनोकामना की जाए। लेकिन बता दें इस महाशिवरात्रि के महापर्व पर व्रत भी रखा जाता है और हर कोई अपनी मनोकामना लेकर महादेव के सामने आता है कि उसकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी हो जाए। देखिए किस तरह से यहां पर जलाभिषेक किया जा रहा है, हर कोई बेहद उत्साहित नजर आ रहा है। मेरे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए कवर्धा से। प्रदीप, आज महाशिवरात्रि का महापर्व है, कैसी तस्वीर मंदिर की जरूरत दिखाइए। में आज हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। वही भोरमदेव की अगर बात करें, भोरमदेव मंदिर के बहुत प्राचीन मंदिर है, 11वीं शताब्दी का जब मंदिर है, तो मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? लगातार कोशिश की जा रही है कनेक्ट करने की, लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर उत्साह नजर आ रहा है। आज बड़ा पर्व है महाशिवरात्रि का, महापर्व माना जाता है, जिसके चलते हर कोई बेहद उत्साहित नजर आ रहा है। आज महाशिवरात्रि है, शिव भक्तों के लिए ये दिन बेहद खास और अहम होता है, इसलिए इस खास दिन पर हर कोई अपने अपने तरीके से भगवान शिव को खुश करने की कोशिश करता है। इस दिन कई लोग व्रत भी रखते हैं, इतना ही नहीं लोग अपने घरों में रुद्राभिषेक भी कराते हैं। कुल मिलाकर महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिव शंकर की पूजा अर्चना करके व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। देखिए तस्वीर लगातार टीवी स्क्रीन पर, जहां मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारों से गूंज सुनाई दे रही है, हर कोई बेहद उत्साहित नजर आ रहा है। तस्वीर लगातार टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली से तस्वीर दिखा रहे हैं, गोरखपुर से तस्वीर है, उज्जैन से, उड़ीसा से, अमृतसर से और वाराणसी से, जहां पर हर कोई बेहद उत्साहित नजर आ रहा है। लंबी लंबी कतारें सुबह से देखी जा रही हैं, हर कोई बाबा महाकाल के दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाना चाहता है। लेकिन लगातार न्यूज 24 मध्य प्रदेश पर महाकवरेज आप देखते रहिए। आज महाशिवरात्रि पर महासंयोग मिटेंगे सारे भो। देखिए तस्वीरें, दो तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर विशेष तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। साथ ही नर्मदापुरम की तस्वीर देखिए, घाट पर लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पर पूजा अर्चना घाट पर भी की जा रही है। उज्जैन की तस्वीर है और साथ ही एक दूसरी तस्वीर नर्मदापुरम की दिखा रहे हैं। देखिए साफ तौर पर तस्वीर में देखा जा सकता है कि मंदिर की विशेष तरीके से साज सज्जा की गई है और साथ ही विशेष तरीके से पूजा अर्चना भी की जा रही है। अलग तरीके से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी और दिन में 4 बार बाबा महाकाल की यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी। खासतौर पर इस महापर्व पर व्रत भी रखा जाता है। आज देश भर में महाशिवरात्रि की धूम नजर आ रही है। देखिए किस तरह से जयकारों से हर एक मंदिर गूंजा हुआ है और विशेष तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। उज्जैन की तस्वीर लगातार टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर आज 21 लाख दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया जाएगा। साथ ही नर्मदापुरम की तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु लंबी लंबी कतार से आते जा रहे हैं और महादेव के दर्शन कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें,
अपने आप में बेहद ही खास और महत्वपूर्ण तस्वीरें इस समय लगातार टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का महापर्व है, पूजा अर्चना की जा रही है, साथ ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं मंदिर में। तड़के सुबह से ही श्रद्धालु का मंदिर में पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए किस तरह से यहां पर जयकारों से मंदिर गूंज रहे हैं और साथ ही विशेष तरह की पूजा अर्चना की जा रही है। सब श्रद्धालु की अलग अलग मनोकामनाएं हैं जो कि मंदिर में महादेव के सामने लेकर पहुंच रहे हैं और सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं। लेकिन लगातार टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें उज्जैन और नर्मदापुरम से, देखिए किस तरह से नर्मदापुरम में सभी श्रद्धालु घाट पर बैठे हुए हैं और अपनी मनोकामना लेकर महादेव के मंदिर वो पहुंचे हैं। देखिए लगातार तस्वीरें, बाबा की बारात भी आज आएगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी नर्मदापुरम से पीताम्बर जोशी जुड़ गए हैं। पीताम्बर, आज महाशिवरात्रि का महापर्व, इस समय मंदिर में किस तरह का उत्साह श्रद्धालुओं के बीच? अरे महादेव जो मंदिर है वहाँ पर काफी मान्यता है और जो लोग हैं श्रद्धालु है वो सुबह से अपनी मनोकामना को लेकर भगवान शिव की पूजन के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो काफी पुराना और प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर जो है रात के 4 बजे भगवान शिव की भस्मार्ती की गई है उज्जैन महाकाल के तट पर, और इसके बाद जो है दिन भर आज पूजा पाठ का दौर यहाँ पर चलने वाला है। तो जो मंदिर है उसे सजाया गया है, इसके बाद जो है पीताम्बर जोशी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पीताम्बर जोशी ने भी नर्मदापुरम की तस्वीर दिखाई, किस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाट पहुंचे हुए थे और आज पूरा दिन पूजा का दौर देखा जाएगा, पूरा दिन पूजा अर्चना की जाएगी, बाबा महादेव की पूजा यहाँ पर की जानी है। देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। आज विशेष तरीके से अलग विधि विधान के साथ पूरा दिन पूजा अर्चना की जाएगी। महादेव के दर्शन करने के लिए सभी श्रद्धालु सुबह से मंदिर पहुंच रहे हैं और विशेष तरीके से पूजा अर्चना यहां पर की जा रही है। साथ ही जयकारों के साथ हर एक मंदिर में गूंज दिखाई दे रही है, दिल्ली हो, MP हो या फिर छत्तीसगढ़, हर जगह मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती हैं और आज के दिन व्रत भी रखा जा सकता है। बेहद ही खास दिन और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद ही खूबसूरत और महत्वपूर्ण। देखिए तस्वीरें, आज देशभर में महाशिवरात्रि की धूम देखी जा रही है और विशेष तरीके से पूजा अर्चना भी यहाँ पर की जा रही है। महाशिवरात्रि के पर्व पर उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर में भक्तों की बड़ी भीड़ यहां पर उमड़ी हुई है और महाशिवरात्रि के पर्व पर जिस तरीके से उज्जैन में बड़ी संख्या में भक्त जो हैं वो यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। 9 दिन पहले से ही भगवान महाकाल का अलग अलग रूप में श्रृंगार यहाँ पर होना शुरू हो जाता है। अगर बात की जाए मंदिर प्रांगण की तो देखिए यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में जो है भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। यहाँ पर व्यवस्थाएं जो वो 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाती हैं। बाबा के श्रृंगार की जो सामग्री है, यहाँ के जो मुख्य पुजारी आशीष पुजारी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। पंडित जी, शिवरात्रि का क्या कुछ महत्व है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं? बाबा महाकाल के दरबार में शिव नवरात्रि महोत्सव आनंद और मंगल के साथ मनाया जा रहा है। प्रातःकाल से ही बाबा महाकाल के दरबार में भस्म आरती से लगाकर मंगल ध्वनि सुनाई, चारों तरफ वेद ध्वनि चल रही है। भगवान शिव को प्रातःकाल महापूजन किया गया है। आज के दिन जो भक्त उपास व्रत रखते हैं, भगवान की 4 पहर की पूजन करते हैं, उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है और शिव नवरात्रि महोत्सव संपन्न होता है। इसलिए भक्त लोगों को शिवरात्रि महापर्व के दिन व्रत उपास रखना चाहिए, भगवान शिव की आराधना करना चाहिए। बाबा महाकाल के दरबार में प्रातःकाल से लगाकर आज 44 घंटे तक सलंग गर्भगृह के अंदर बाबा महाकाल को राष्ट्र कल्याण के लिए पूजन अर्चन की जाएगी, रात भर महापूजा चलेगी। इस तरह बाबा के 9 दिन का ये महापर्व यहाँ मनाया जाता है। तो 9 दिन का ये महापर्व यहाँ पर मनाया जाता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 उज्जैन।